बनवरिया चौराहा से मैं जब फतेहपुर की तरफ आगे बढ़ा तो पता चल रहा कि रोड को बनने का काम शुरू है, रोड को रिपेयर करने का और चौड़ा करने का। एक तरफ मैं जब शुरुआत करता हूँ तो मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, जब मैं शुरुआत कर रहा हूँ सड़क का काम पता ही नहीं लग रहा, जब आधे रास्ते पे आ जाता हूँ तो सड़क यहाँ पे बनना शुरू है। अभी एक साइड में पूरा खुदाई कर दी गई, गिट्टी डाल दी गई और धीरे धीरे दूसरे साइड में ऐसे ही होगा, फिर सड़क को चौड़ा करके दुरुस्त बनाया जाएगा। फिलहाल क्षेत्र में बदलाव चल रहा है, समय लग रहा है, बस इतना ही है। होगा बदलाव ज़रूर होगा, बस जनता की आवाज़ से होगा और सरकार के प्रयास से होगा और जनता के प्रयास से होगा। मैं समस्या दिखाना शुरू करता हूँ, रास्ते में पता चलता है काम आगे लगा पड़ा, मतलब वो समस्या समाधान चल रहा है। अब ये तो अनोखा अद्वितीय है, अच्छी बात है कि जिस काम के शुरुआती हो चुकी है और उस काम को मतलब शुरू करने के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ उठाने से पहले ही हमारी आवाज़ बंद हो जा रही है, मतलब काम शुरू है। ठीक है, अच्छा होगा। फिलहाल जैसे जैसे अपडेट रहेगा आगे भी दिखाएंगे। पीछे स्थिति जर्जर थी, आप ये वाली वीडियो आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपको जो शॉर्टकट रास्ता फतेहपुर वाला चलना था वो सही हो जाएगा। तो 4 महीना लगेगा हमारा अंदाज़ा है और सड़क अच्छी हो जाएगी, जो लोगों का आना जाना। फिलहाल यहाँ तक देखिए सड़क का काम जाए। ये सड़क क्या पे जल्दी बने लगा, ये सड़क क्या जो खोदे हो जाए, मतलब फिर से चौड़ी बने भाई, ऐसा लागत है। कहीं ले पीछे देखा पूरा वैसन रहा, बनभरिया किधर शुरू है किधर फतेहपुर ले होएगा कैसे। अच्छा समरौता गए डायरेक्ट कठौरा से, तो पूरी सड़क बनती है आए कहूँ, खुदी तो नहीं है पूरी, साइड साइड से काम चल रहा है। यह कौन गांव है आसपास में, शेखन गांव। चलो ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को दिखा रहे थे कि मतलब बनभरिया से आगे जैसे बढ़ते हैं ये रोड का काम चालू है, अभी वन साइडेड काम चालू है और ये सेमरौता तक रोड जाता है, तो शायद बहुत जल्द ये रोड आप लोगों के लिए नए रूप में सौगात होगा और नया हमारे क्षेत्र का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।